समय के साथ, एज के साथ, टाइम के साथ, कुछ नए सर्कमस्टेंसेस के साथ हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, और बाकी लोगों के लिए हमारी पर्सनालिटी को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी राधिका मेहता के साथ। हेलो दोस्तों, नाम है निशा चालके से कहानियां और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आ गई हूँ नॉवल वन इंडियन गर्ल, जिसे लिखा है चेतन भगत ने, समरी का सेकेंड पार्ट। ये नॉवल जो कहानी है राधिका मेहता की, राधिका मेहता जो एक फेमिनिस्ट लड़की है जिसे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, उसे बाकी लड़कियों की तरह जल्दी शादी नहीं करनी, उसे करियर बनाना है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत गुड लुकिंग नहीं है, बट बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच गई है। उसने 12th में टॉप किया, उसके बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, वहां पर भी टॉप किया, IIM अहमदाबाद में चली गई, MBA किया और सीधा अमेरिका के गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब लग गई। ये लड़की जिसे हमेशा डिग्रेड किया गया था उसकी फैमिली में, एक पंजाबी फैमिली की लड़की है जहां पर आपके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हमेशा फैमिली में भी डिग्रेड किया गया क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी। उसकी बहन बहुत सुंदर दिखती थी, अदिति, जिसकी लाइफ का एम था एक अमीर लड़के से शादी करना, और उसने ऐसा किया भी। तो पेरेंट्स को अदिति ज्यादा बेहतर लगती थी। चाहे राधिका अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो रही थी, बट पेरेंट्स को उससे चिंता होती थी, स्पेशली राधिका की माँ को। उनका कहना था जितना ज्यादा कमाएगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा तेरे लिए लड़का ढूंढना, इसलिए जल्दी से शादी कर ले। ज्यादा कमाने वाला लड़का तुझसे क्यों शादी करेगा, क्योंकि तू इतनी खूबसूरत नहीं है, और कम कमाने वाले लड़के से तू शादी नहीं करेगी तो कैसे होगी तेरी शादी। सबसे बड़ी उनकी लाइफ की टेंशन राधिका की शादी ही थी। राधिका को यहाँ पर एक लड़का मिल गया था, देवाशीष, जिसने पहली बार राधिका की तारीफ की थी, उसे ब्यूटीफुल कहा था, उसे बहुत प्रेस किया था। जो पहला इंसान आपको बहुत प्रेस करता है, आपको बहुत पैम्पर करता है, आपके मन में उसके लिए प्यार डेवलप हो जाता है। राधिका और देवू काफी करीब आ गए थे, लिव इन में रहना शुरू कर दिया था, सारी हदें पार हो चुकी थी। शुरू शुरू में तो देवाशीष उसकी तारीफ करता था, वो काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसे लगातार सक्सेस मिलती जा रही थी, पे बढ़ती जा रही थी, बोनसेस मिल रहे थे, पर देवाशीष उस लेवल से ग्रो नहीं हो पा रहा था, इसलिए कुछ समय के बाद जेलस फील होने लग गया था। लड़कों का फेमिनिज्म ज्यादा देर तक कई बार नहीं टिक पाता है, देवाशीष के साथ ऐसा ही हुआ था। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई। देवाशीष ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो घर पर रहे, काम करे, मेरे बच्चे पाले, जब मैं काम करके घर लौटूं तो वो खाना बनाए। राधिका एक करियर कॉन्शियस लड़की थी, पर वो देवाशीष से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो इस सब के लिए भी तैयार हो गई थी। पर देवाशीष अब राधिका को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और वो उसकी जिंदगी से चला गया था, बहुत टूट गई थी, न्यूयॉर्क छोड़ दिया था, हांगकांग ब्रांच में उसे शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि कम से कम अपने बैंक के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ हांगकांग आने के बाद उससे कोई और मिला था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कहानी शुरू कहाँ से होती है। राधिका मेहता शादी कर रही है ब्रजेश गुलाटी नाम के लड़के से। फिलहाल वो लंदन के ऑफिस में जॉब कर रही है, गोल्डमैन सैक्स में ही वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है। वो अरेंज मैरिज कर रही है, ये कंसेप्ट उसके लिए थोड़ा अजीब तो है, बट पेरेंट्स की मर्जी। पेरेंट्स चाहते थे कि वो जल्दी शादी कर ले, ऑलरेडी ही बहुत लेट हो चुका था, और अब वो भी चाहती थी कि उसकी एक फैमिली हो, उसके अपने बच्चे हो, उसका परिवार हो। उसने अग्री किया था और गोवा के मैरियट होटल को एक हफ्ते के लिए बुक कर दिया गया था, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही थी। आखिर पैसा तो राधिका के पास बहुत है, 1 करोड़ रुपया खर्च रही थी वो इस शादी का, पर उसके पेरेंट्स अब भी यही कहते थे कि वो लड़की है और उसे झुक कर रहना चाहिए, ब्रजेश लड़का है, उसके पेरेंट्स हमेशा उनसे ऊपर ही रहेंगे। राधिका इस सबसे डिसअपॉइंट होती थी, पर अपनी माँ से कब तक बहस करे, इसलिए वो चुप हो जाती थी। यहाँ शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। बहुत सालों बाद देवाशीष को राधिका याद आ गई थी, और याद आ गया था कि उसने वो डिसीजन गलत लिया था। उसने राधिका को अप्रोच किया, उससे बात करने की कोशिश की, राधिका ने जब ढंग से बात नहीं की तो वो मैरियट होटल में ही पहुंच गया। राधिका को कन्विंस कर रहा है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम मुझे हमेशा याद रखोगी, तुम मुझे नहीं भूल सकती, और हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। उसने एक प्लान भी बना लिया, कहा कि हम उसी डेट पर शादी करेंगे, मैं अपने परिवार को बुला लूंगा, तुम लड़के वालों को मना कर दो, और शादी उसी डेट पर होगी, इसलिए तुम्हारी फैमिली को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
शादी के बाद हम लोग अमेरिका चले जाएंगे या लंदन, जहां भी तुम चाहो। तो कोई कुछ भी बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? लगता तो काफी अजीब है, पर देवाशीष के हिसाब से यही ऑप्शन था और राधिका इस बारे में सोच भी रही थी। आखिर पहला प्यार भुलाना मुश्किल तो होता है। बट इसी बीच एक और ब्लास्ट हुआ राधिका की लाइफ में। राधिका के लिए ऑलरेडी ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था और मैसेज आना शुरू हुआ नील गुप्ता नाम के एक आदमी का, जो उसे मिला था हांगकांग में। हांगकांग में इन दोनों के बीच भी प्यार हुआ था। वो कहानी भी आपको बता देती हूँ। जब राधिका हांगकांग पहुंची तो वहां गोल्डमैन सैक्स का पार्टनर था नील गुप्ता, जो एक बहुत ही हैंडसम बंदा था तो थोड़ा मिडिल एज, अराउंड 40 की एज में होगा, बट बहुत ही स्मार्ट था। राधिका उसे प्रेस करती थी। दिल टूटा हुआ था, लाइफ में कोई चाम नहीं था। वहां नील ने उसकी लाइफ में चाम भरा था, जो उसे बहुत प्रेस करता था, उसे बहुत पैम्पर करता था। हालांकि नील मैरिड था और उसके दो बच्चे भी थे, बट कई बार आप इमोशंस में बह जाते हो। राधिका इमोशंस में बह गई थी। नील और राधिका बिजनेस ट्रिप्स पर एक साथ जाने लगे थे और दोनों के बीच में दूरियां कम होने लगी थी। शुरू शुरू में तो ये रिलेशन बहुत फॉर्मल था, बट बाद में दोस्ती और फिर प्यार। नील को राधिका ने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया था। नील ने उसे उन्हीं सब बातों के लिए पसंद किया था जिन बातों के लिए देवाशीष ने उसे रिजेक्ट किया था। राधिका जो फैमिली नहीं बनाना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, नील के लिए तो ये बहुत कंफर्टेबल चॉइस थी। घर में बीवी थी और बाहर एक स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्लफ्रेंड। धीरे धीरे राधिका को ये सब कुछ वियर्ड लगने लगा था। नील को जब टाइम मिलता था वो उसके पास आता था, जब नहीं मिलता था वो परिवार में रहता था। माँ शादी के लिए जिद कर रही थी। नील का कहना था तुम शादी मत करो, तुम खुश तो हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। नील उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। राधिका एक दिन नील की फैमिली से मिली, उसके बच्चों से मिली, उसके बेटे को अपनी गोद में बिठाया। तब उसका भी दिल किया माँ बनने का, उसका भी मन किया परिवार बनाने का। जब उसने ये बात नील को कही तो नील ने कहा, तुम माँ बनना चाहती हो, परिवार संभालना चाहती हो, तुम तो एक करियर वुमन हो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। राधिका को ये बात नहीं अच्छी लगी। उसे समझ में आ रहा था कि नील उसे इस्तेमाल कर रहा है और उसने तय कर लिया था कि अब वो नील के साथ साथ इस देश को भी छोड़कर चली जाएगी। नील ने उसे रोकने की कोशिश की थी। नील ने उसे कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, पर राधिका ने कहा था इस प्यार का क्या फायदा जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो, और इन दोनों का कोई फ्यूचर तो था ही नहीं। नील की वाइफ थी कुसुम, जो बहुत स्मार्ट थी, ब्यूटीफुल थी, घर का ध्यान रख रही थी, नील को बहुत प्यार भी करती थी। नील की लाइफ में तो सब कुछ परफेक्ट था। राधिका उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहती थी। तब एक बार फिर राधिका का हांगकांग से जाने का भी टाइम आ गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब गोल्डमैन सैक्स पक्का छोड़ देगी, वो ये लाइफ छोड़ देगी और वो वापस इंडिया चली जाएगी। नील ये नहीं चाहता था, वो उसे रोकना चाहता था, उसने रोकने की बहुत कोशिश भी की थी। तब राधिका ने उसे कहा था कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं सबको बता दूंगी, मेल लिख दूंगी सारे एम्प्लॉयज को और बता दूंगी तुम्हारा और मेरा क्या रिलेशनशिप है, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नील ने कहा ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा करेंगे, पर तुम अपना करियर स्पॉइल मत करो, मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब मत छोड़ो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लंदन ऑफिस में शिफ्ट कर दूंगा। राधिका ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था और अब हांगकांग को छोड़कर वो लंदन पहुंच गई थी। वो इन दिनों अपने पेरेंट्स से मिलने दिल्ली भी आई थी। तब एक बार फिर उसकी माँ शुरू हो गई थी, शादी कर ले शादी कर ले। उसकी बहन भी उससे मिलने आई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर शादी किससे और कैसे करे वो ये समझ नहीं पा रही थी। अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट उसकी समझ से बहुत बाहर था, पर उसकी माँ नहीं मानी थी और फाइनली वो अग्री हो गई थी। उसकी मॉम ने एक मैट्रिमोनी साइट पर उसकी प्रोफाइल अपलोड कर दी थी। फोटोग्राफ जो उनके पास थी वही फोटोग्राफ अपलोड कर दी थी। लिख दिया था बहुत कुछ, राधिका जो एक बहुत फेयर लड़की है, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, लंदन में जॉब करती है, अपने हस्बैंड के साथ
कहीं भी रहने को तैयार है, अपने हस्बैंड के हिसाब से, उसकी फैमिली के हिसाब से मोल्ड होने को तैयार है। उसकी पेरेंट्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे उसकी फैमिली चाहेगी वो वैसा करने को तैयार हो जाएगी। उसको एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सके, उसकी लाइफ को सिक्योर कर सके। जब राधिका ने ये पढ़ा था तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने कहा था, मॉम ये क्या है, इतनी सारी गलत चीजें लिखी हैं, ऊपर से ये इतनी गंदी फोटोग्राफ अपलोड की है। मॉम ने कहा था, जो मेरे पास होगी वही तो करूंगी, तू कुछ अच्छी फोटोग्राफ दे दे वो लगा दूंगी। राधिका ने कहा था, ठीक है कम से कम फोटोग्राफ तो चेंज करो, उसके अलावा भी बहुत चीजें चेंज करनी है। मॉम को फोटोग्राफ चाहिए थी इंडियन आउटफिट में। राधिका ने कहा था, वो मेरी लाइफ नहीं है, जो मैं हूँ उसी को दुनिया को दिखाना चाहिए ना। पर मॉम इस बात को नहीं मानती, उनके हिसाब से राधिका की अचीवमेंट्स को थोड़ा छुपा कर रखना है ताकि एक अच्छा लड़का मिल जाए। राधिका ने कहा, ये क्या, लंदन में जॉब करती है, लिखना चाहिए ना, गोल्डमैन सैक्स में जॉब करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, $500,000 कमाती है। माँ ने कहा, अगर ये सब लिख दिया तो फिर होली तेरी शादी। तुम अपनी बेटी की अचीवमेंट्स को छुपाना चाहती हो दुनिया से? माँ ने कहा, अगर किसी को नहीं भी बताऊंगी तो तेरी अचीवमेंट्स वहीं रहेंगी ना, क्या हो गया, ये एक टेक्निक होती है, अगर मैं इस तरह से लड़का ढूंढूंगी तो कुछ अच्छे लड़के मिल भी जाएंगे, वरना तो भूल जा, कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। राधिका ने कहा, और फेयर क्या होता है, आप बीटेक भी तो लिख सकते हो। माँ ने कहा, यही लिखना पड़ता है, अगर फेयर लिखेंगे तभी कोई मानेगा बीटेक, बीटेक लिखेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि काली कलूटी लड़की होगी। राधिका थक गई थी अपने मॉम से आर्ग्यू करके, पर उसने कह दिया था ये प्रोफाइल तो नहीं चलेगी। मॉम ने कहा था, ठीक है मैं लंदन आ रही हूँ। राधिका ने कहा, क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं लंदन आ रही हूँ और हम दोनों मिलकर तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे, मुझे पता है मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढूंगी। राधिका जिसने सरेंडर कर दिया था, माँ यहाँ राधिका के पास आ गई थी, अच्छा अच्छा गरम गरम खाना राधिका को खिला रही थी। राधिका ने कहा था, मॉम मुझे शादी नहीं करनी, बस आप यहाँ रह जाओ। मॉम ने कहा था, हाँ देखा कि कोई जिंदगी जी रही है क्या तू, सुबह जल्दी उठकर चली जाती है और रात को देर से आती है, क्या जिंदगी है, अकेले घर की दीवारें देखते रहो। राधिका ने कहा, मेरे पास दुनिया की सबसे वांटेड जॉब है। माँ ने कहा, हाँ मेरे पास तो दुनिया की सबसे अनवांटेड जॉब है, पर मुझे वो पसंद है, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने परिवार को प्यार देना। खैर दोनों ने मिलकर मैट्रिमोनी वेबसाइट पर प्रोफाइल को एडिट कर दिया था। लड़के और लड़कियों को लेकर हमारी सोच कितनी ज्यादा अलग है। अगर लड़का होता तो माँ सबसे पहले उसकी सैलरी लिखती, सबसे पहले उसकी करियर के बारे में लिखती, और अब बेटी है तो ये सब कुछ छुपाना चाहती है। राधिका ने कहा, जब मैं स्कूल जाती थी, छोटी सी थी, तो पापा मुझे हाथ पकड़कर स्कूल ले जाते थे और कहते थे, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, ये आसमान ये तुम्हारी लिमिट है। अब क्या हुआ माँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मेरा परिवार ही नहीं सह पा रहा। माँ ने उसे हग कर लिया, उसे किस किया और कहा, बेटी तू इस समाज को नहीं समझती, ये समाज इतना अच्छा नहीं है जितना तुझे दिखता है, हमें बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर चलना है। राधिका को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है, पर अपनी माँ की खुशी के लिए उसने प्रोफाइल तो एडिट कर दी। उसने लिख दिया कि वो गोल्डमैन सैक्स में जॉब करती है, अच्छा खासा कमा लेती है, फैमिली पर कोई बर्डन नहीं है, ये लाइन उसने हटा दी थी, और ये भी हटा दिया था कि उसे संभालने वाला कोई लड़का चाहिए। उसने लिखा था कि उसे एक ईजी गोइंग लड़का चाहिए जो सेल्फ सफिशियंट हो। राधिका की प्रोफाइल अपलोड करने के बाद क्या रिस्पॉन्सेज आएगी जानने के लिए माँ बहुत क्यूरियस थी। राधिका ने एक हफ्ता माँ को इंतजार कराया था। छुट्टी का दिन आ गया था, माँ राधिका से कह रही थी, अब तो एक हफ्ता हो गया, जल्दी करना, खोल देखें किसी ने रिस्पॉन्स दिया है या नहीं। राधिका ने कहा, रुक जाओ माँ, इतनी भी क्या बेचैनी है। प्रोफाइल खोली तो 50 रिस्पॉन्सेस थे। माँ बड़ी एक्साइटेड हो गई, अपनी बेटी के लिए राजकुमार जो ढूंढना है, इन 50 में वो अपनी बेटी का सपनों का राजकुमार जरूर ढूंढ लेगी, माँ ने तय कर लिया था। राधिका इन लड़कों को रिजेक्ट करती जा रही थी, किसी को इसलिए कि उसका फैमिली बिजनेस है, किसी को इसलिए कि वो रेस्टोरेंट चलाता है, ऐसे लड़के से तो राधिका शादी नहीं कर सकती जिसकी कोई क्वालिफिकेशन ही ना हो। एक लड़के को तो राधिका ने उसकी शर्ट की वजह से रिजेक्ट कर दिया। वो हंसने लगी, कहा, मॉम इतनी गंदी शर्ट पहनी है, ऐसा होगा क्या मेरा हस्बैंड। मॉम ने कहा, जब शादी कर लोगी तो तुम कपड़े अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, और अगर फैमिली बिजनेस है तो क्या हो गया। राधिका ने कहा, नहीं
स्टेटस वाला लड़का चाहिए, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। राधिका ने 50 में से 10 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया था। उन 10 लड़कों के साथ स्काइप कॉल्स फिक्स की गई थी। राधिका ने एक एक करके उन 10 लड़कों को भी रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, मॉम ये तो लगता नहीं कि सक्सेस हो पाएगा। राधिका की मॉम काफी अपसेट हो गई थी। रात को ये दोनों बेड पर बैठे हुए थे। राधिका की मॉम भगवान के आगे हाथ जोड़ रही थी। मेरी एक बेटी तो इतनी आसानी से सेटल हो गई, वो थोड़ी ज्यादा गोरी भी थी ना, पर उसका बिहेवियर भी काफी अच्छा था। काश मेरी दूसरी बेटी भी सेटल हो जाए, हे भगवान हमारी मदद करो। राधिका ने माँ की तरफ देखा और कहा, तो ऐसे भगवान से मदद मांग रही हो जैसे कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी सजा हूँ, मेरे होने से आप बहुत दुखी हो। हर चीज में इमोशनल होने की जरूरत नहीं होती, पर तेरी शादी भी तो बहुत जरूरी है ना। क्या हो गया माँ, अगर मेरी शादी ना भी हो मैं तुम्हारी बेटी तो फिर भी रहूंगी ना, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, शादी और नो शादी। माँ ने कहा, ऐसा मत बोल, शादी होगी और मैं तेरे लिए राजकुमार जरूर ढूंढूंगी। माँ शादी करना क्यों जरूरी है, मैं लाइफ में इतनी सक्सेसफुल हूँ, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम बेटा चाहती थी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा से एक डिसअपॉइंटमेंट ही बन कर रही हूँ। अदिति लड़की हो गई थी तो तुम्हारी दादी बेटा चाहती थी, आप भी बेटा चाहती थी माँ। मुझे पता है आपने टेस्ट भी करवाया था, डॉक्टर ने लड़का बताया था, पर जब मैं हुई होंगी तो आप लोग कितने दुखी हुए होंगे ना, और आज आपके दुख और बढ़ गए हैं। माँ ने राधिका को हग किया। उसने कहा, ऐसा मत बोलो बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो करो ना माँ मुझे प्यार, मैं जैसी हूँ मुझे एक्सेप्ट करो ना, शादी नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। होगी, जरूर होगी, कल हम और प्रोफाइल्स देखेंगे और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा राजकुमार जरूर ढूंढ लूंगी, माँ ने राधिका से कहा। 3 हफ्तों के बाद माँ राधिका के फोन में शादी.com की वेबसाइट खोलकर स्क्रॉल कर रही थी, तब उन्होंने एक लड़का देखा। राधिका तुमने इस लड़के को क्यों रिजेक्ट किया, ये तो अच्छा खासा दिख रहा है। राधिका जो उस समय अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। प्रोफाइल पढ़ूं, राधिका ने कहा। हाँ बोलो। फेसबुक में काम करता है, फेसबुक में काम कैसे कर सकता है, क्या ये सारा दिन फेसबुक यूज करता होगा। राधिका ने कहा, मॉम फेसबुक की कंपनी है, आगे बोलो। मॉम ने उसके बाद प्रोफाइल पढ़ी जो कि उसके पेरेंट्स ने लिखी थी, जिसमें लिखा था कि हमारा लड़का एक सिंपल लड़का है और उसे एक सिंपल लड़की चाहिए जो कि करियर वुमन हो, USA में रहने को तैयार हो, जो हमारे घर का एक मेंबर बन सके। राधिका ने कहा, अच्छा और सैलरी। सैलरी $150,000 से $175 के बीच में, ठीक है ना। राधिका ने कहा, हाँ फोटोग्राफ दिखाना। मॉम ने फोटोग्राफ दिखाई तो वो सुंदर पिचाई जैसा लग रहा था, कोट पहनकर गोल्डन गेट ब्रिज के सामने खड़ा हुआ था। मॉम ने कहा, लड़का तो हैंडसम है। राधिका ने कहा, ये तो ऐसे लग रहा है कि अभी बाकी लोगों को चुप कराएगा, चुप हो जाओ शोर मत मचाओ। मॉम ने कहा, तू हर लड़के में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेती है, इसमें तो मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, तुझे इस लड़के से बात करनी चाहिए। राधिका ने पूछा, नाम क्या है। माँ ने पढ़कर बताया, ब्रिजेश गुलाटी। ब्रिजेश गुलाटी, नो मॉम मैं इस नाम के लड़के से शादी नहीं कर सकती। मॉम ने कहा, नाम में क्या बुराई है, गुलाटी तो पंजाबी होते हैं और पता है ना दिल्ली में कितना अच्छा रेस्टोरेंट है पंडारा रोड पर इस नाम से। मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जिसके नाम पर रेस्टोरेंट हो। तुझे शादी करनी ही नहीं है असल में, तू हर लड़के में कुछ ना कुछ कमी ढूंढी लेती है, अमिताभ बच्चन नाम हो या अक्षय कुमार, क्या चाहती है तू, कुछ तो बता। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि राधिका के फोन पर मैसेज आ गया। ब्रजेश ने राधिका को अप्रोच किया अपने स्काइप डिटेल्स के साथ। ओह माय गॉड, उस लड़के का मैसेज भी आ गया। माँ ने कहा, ये तो भगवान की तरफ से सिग्नल है, तू जवाब दे और कॉल फिक्स कर। राधिका ने अगले दिन के लिए ब्रजेश के साथ कॉल फिक्स कर दिया था। अगले दिन राधिका और ब्रजेश कॉल पर बात कर रहे थे। बहुत ऑकवर्ड होता है शादी के लिए आप किसी से बात करो, पहली बार किसी से बात करो, उसे आपको अपनी पूरी जिंदगी के लिए चुनना है, होता तो बहुत मुश्किल है। पर राधिका ब्रजेश से बात कर रही थी। ब्रजेश जो फेसबुक में काम करता है काफी सिंपल लड़का है और काफी डाउन टू अर्थ भी लगा राधिका को। पहला ऐसा लड़का जो अपनी कमियां भी एक्सेप्ट कर रहा था। जब उसने राधिका को बताया कि उसे हिंदी मूवीज देखना पसंद है तो राधिका ने मन में सोचा था कितना बोरिंग है, और ब्रजेश ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी। राधिका को प्रेस किया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, उसके करियर के लिए, उसके लुक्स के लिए।
पहला लड़का जो राधिका की सक्सेस को एक्सेप्ट करने को तैयार था। खैर कॉल ठीक ठाक गई थी, राधिका ब्रजेश में कमियां ढूंढ रही थी पर ढूंढ नहीं पा रही थी। जब ब्रजेश ने कहा था कि मैं थोड़ा बोरिंग हूँ, तब राधिका ने कहा था अगर मुझे नींद आ जाए तो मान लेना कि तुम सच में बोरिंग हो। उसने कहा था तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। लड़के जनरली लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ये एक्सेप्ट नहीं करते। ब्रजेश में वो कोई कमी नहीं ढूंढ पाई थी तो अगली बार दोबारा बात करने के लिए टाइम फिक्स कर दिया था। माँ बहुत खुश थी। अब माँ राधिका के पीछे पड़ गई थी कि उसे जवाब देना चाहिए। ब्रजेश और राधिका एक दिन न्यूयॉर्क में मिले भी थे, दोनों ने बात भी की थी, वॉक भी किया था, काफी टाइम स्पेंड भी किया था। पर 3-4 घंटे आप किसी के साथ स्पेंड करके पूरी जिंदगी का डिसीजन तो नहीं ले सकते। राधिका ने उसे कहा था ये डिसीजन इतनी जल्दी लेना तो मुश्किल होगा। तब ब्रजेश ने कहा था तुम टाइम ले लो, आराम से सोच लो और फिर जवाब देना, तुम्हें जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। राधिका की माँ उसके बाद उसके पीछे पड़ गई थी। ब्रजेश के पेरेंट्स भी राधिका के पेरेंट्स को अप्रोच कर रहे थे और राधिका ने हाँ कह दिया था। और उसके बाद राधिका मेहता आज यहाँ गोवा के मैरियट होटल में है जहाँ ब्रजेश गुलाटी और राधिका की शादी हो रही है। और बीच में बहुत सारी मिस भी हो गई है। नील गुप्ता यहाँ पर पहुंच गया है। राधिका ने उसे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ मेरी शादी हो रही है, इतनी सारी फैमिली है, तुम ऐसे मेरी फैमिली फंक्शन में थोड़ी आ सकते हो। नील ने कहा पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ अकेले में। राधिका ने कहा पर मैं कैसे आऊंगी। नील ने कहा मेरा रूम बुक्ड है। रूम, राधिका ने कहा पर यहाँ तो रूम्स है ही नहीं, तुम्हें कैसे मिल गया। मैंने प्रेसिडेंशियल सुइट बुक कराया है। ओ नील गुप्ता, प्रेसिडेंशियल सुइट अफोर्ड तो कर ही सकता है, पर तुम यहाँ आए कैसे, तुम तो श्रीलंका में कहीं थे। हाँ चार्टर्ड फ्लाइट लेकर। तुम चार्टर्ड फ्लाइट लेकर यहाँ मुझसे मिलने आए हो। ऑफ कोर्स। तुम मेरे रूम में आ रही हो या नहीं। ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राधिका बहुत हिम्मत करके नील के कमरे में पहुंच गई थी। नील ने राधिका को बैठने के लिए कहा, उसे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने तुम्हें पहली बार किसी इंडियन आउटफिट में देखा है, तुम एक्चुअली में प्रिंसेस लग रही हो। तुम चार्टर्ड फ्लाइट लेकर इतनी दूर से यहाँ पर मेरी तारीफ करने आए हो क्या। क्यों, तुम्हारी तारीफ तो मैं कभी भी कर ही सकता हूँ ना, मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्यार, मेरी शादी होने वाली है, जल्दी बोलो क्या बोलना है, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, मुझे संगीत के लिए डांस की प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें यहाँ पर 3 बातें कहने आया हूँ, नील ने कहा। बोलो। पहला तो राधिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था और मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आई एम सो सॉरी राधिका, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, और तुम्हारे बिना की जिंदगी मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे काटा है मैं बता नहीं सकता। तुमने मुझसे प्रॉमिस लिया था ना फोन करने का, ना मिलने का, मैंने वो प्रॉमिस निभाया, पर मेरे लिए वो सब कुछ बहुत मुश्किल था, एक एक दिन मर मर के जिया हूँ मैं। राधिका ने कहा मुश्किल तो मेरे लिए भी था, बट अब वो टाइम चला गया है, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो वो कहो। राधिका आई रियली लव यू। ठीक है नील, अब सब खत्म हो चुका है, अब मैं ठीक हूँ, तुम बताओ ना क्या कहना है और 2 बातें कौन सी हैं। नील एक ब्राउन एनवेलप ले आया था और उसने राधिका के सामने उसे खोलकर दे दिया था। पहले पेपर पर स्टैंप लगी हुई थी, मैंने और कुसुम ने डिवोर्स ले लिया है। क्या डिवोर्स, क्यों। राधिका ने उस पेपर पर देखा जहाँ पर म्यूचुअली दोनों ने साइन कर डिवोर्स ले लिया था। क्यों, तुम पूछ रही हो क्यों, पूरी दुनिया में क्या तुम मुझसे ये सवाल पूछोगी। तुमने डिवोर्स ले लिया और बच्चे, बच्चों की कस्टडी हम दोनों के पास कंबाइन रहेगी, और कुसुम क्या करेगी। वो उसे खुद डिसाइड करना होगा, पैसे तो मैं उसे काफी दे ही रहा हूँ, अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से आधा शेयर मैं उसे दे रहा हूँ, तो पैसों की कमी तो उसके पास होगी नहीं। बट स्टिल कुसुम के लिए कितना मुश्किल होगा। राधिका को आज कुसुम की बहुत चिंता हो रही थी। नील ने कहा होगा तो होगा, मेरे लिए भी तो कितना मुश्किल हो रहा था। पर नील, डिवोर्स। हाँ राधिका। नील अपने पैरों पर नीचे बैठ गया था, उसने राधिका का हाथ पकड़ लिया था। राधिका
भारी चार्टर्ड फ्लाइट वेट कर रही है। तुम्हारी चार्टर्ड फ्लाइट? नहीं राधिका, हमारी चार्टर्ड फ्लाइट। मतलब? मैं जानता हूँ इस शादी के लिए बहुत खर्चा हुआ होगा, तो मैं एक चेक काट कर दे दूंगा होटल में, और पैसे का कोई इशू नहीं होगा। लड़के वाले या तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ है सब मैं भर दूंगा, और हम दोनों उस चार्टर फ्लाइट में हांगकांग चले जाएंगे। वहां जाकर हम शादी कर लेंगे। मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भाग जाऊं, और अभी मुझे चिट्टियां कलाइयां पर डांस करना है? मतलब ये क्या होता है? गाना है पंजाबी। राधिका तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली से मिल भी लूंगा। बट नील, राधिका मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई रियली लव यू। हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद तुम जैसे चाहो एक इंडिया में भी कर लेंगे। मेरे पेरेंट्स लंदन में रहते हैं, हम वहां भी कर लेंगे। जो तुम चाहोगी हम सब कुछ करेंगे। और अगर मुझे हांगकांग ना जाना हो तो? अगर अभी हम हांगकांग जाते तो अच्छा होता, मेरे बच्चे हैं वहां पर। पर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा कर लूंगा। तुम जो कहोगी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मिस्टर नील गुप्ता, आज क्या हुआ? आज तुम सब कुछ करने को तैयार हो? तब तुमने मेरी ब्रांच चेंज कर दी थी, मुझे उस कंट्री से बाहर भेज दिया था, बस इतना ही कर पाए थे? राधिका मैं नहीं समझ पा रहा था मैं क्या करूं। मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया था। तब तुम मेरे ऊपर चिल्लाए क्यों नहीं? तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं? तुमने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? क्या लड़ाई करती तुमसे? क्या कहती? तुम शादीशुदा थे, कह देती कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, कह देती अपने बच्चों को छोड़ दो। हाँ काश तुमने कह दिया होता। तभी राधिका का फोन बजा। राधिका ने बिना देखे वो कॉल उठा लिया। बेबी तुम कहाँ पर हो? ये फोन देवू का था। राधिका ने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मैंने अपनी पेरेंट्स को कॉल किया था। प्लीज आई विल टॉक टू यू लेटर, ये कहकर राधिका ने फोन काट दिया था। नील अभी भी नीचे ही बैठा था। राधिका ने कहा नील बहुत ड्रामा हो गया, तुम सोफे पर बैठ सकते हो। वो खड़ी हो गई थी। नील उसके पास आ गया, उसके कंधे पकड़ लिए। आई रियली लव यू राधिका, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, एक एक दिन तुम्हारे बिना कैसे काटा मैं बता नहीं सकती। नील ने राधिका के सर पर हाथ रखा, उसे सहलाने लगा। उसने कहा अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमारा प्लेन बाहर वेट कर रहा है मेरे इंस्ट्रक्शंस के लिए। तुम जैसे ही हाँ कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ राधिका तुम्हारे डिसीजन का। राधिका ने कहा प्लीज मुझे अभी जाने दो, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। नील ने कहा हाँ। राधिका वहां से निकली और भागने लगी। भागते भागते कॉरिडोर में उसे देवू मिल गया। तुम यहां पर क्यों आ गए हो? मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं इतना परेशान हो गया था। बट तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? कोई देख लेगा तो क्या होगा? राधिका देवू के साथ किचन में चली गई थी। राधिका मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता था कि मैंने अपने पेरेंट्स को फोन किया था, 2 घंटे तक बात की, उन्हें कन्विंस कर लिया, वो यहाँ आने को तैयार हो गए हैं। किस लिए? हम दोनों की शादी के लिए। राधिका मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, नहीं भूल सकती। ये लड़का जैसे तुम शादी करने जा रही हो ये पता नहीं कौन है, तुम इसे जानती तक नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी राधिका की मम्मी का फोन आ गया था। वो राधिका के ऊपर फोन उठाते ही चिल्लाने लगी थी, तू पागल हो गई है क्या? कहाँ पर है? सब लोग पूरे होटल में तुझे ढूंढ रहे हैं, यहाँ संगीत की प्रैक्टिस हो रही है, तेरी सारी बहनें तुझे ढूंढ रही हैं, कहाँ चली गई है तू? माँ मैं यहीं पर हूँ। यहाँ कहाँ? वो वॉशरूम में। क्या हुआ, तेरा पेट तो नहीं खराब हो गया? क्या खा लिया तूने? दवाई चाहिए क्या तुझे? बस आ रही हूँ माँ, 2 मिनट। फोन रखकर राधिका ने देवू से कहा, तुम देख रहे हो ना मुझे अभी जाना होगा। राधिका वहां से जाने लगी, तब देवू ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम क्या चाहते हो देवू, मैं क्या करूं? राधिका हमें ये डिसीजन लेना होगा, बहुत देर हो चुकी है, आज नहीं तो कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दो, देवू ने कहा। ठीक है। राधिका वहां से चली गई थी, संगीत प्रैक्टिस में आ गई थी, गाना चल रहा था चिट्टियां कलाइयां, सारी बहनें तो स्टेप्स को फॉलो कर पा रही थी पर राधिका नहीं कर पा रही थी। ना मेरी चिट्टियां कलाइयां हैं और ना मैं इस गाने पर डांस कर पाऊंगी, पर कोरियोग्राफर ने कहा मैं आपको डांस करवा कर ही रहूंगा।
राधिका बीट्स के साथ डांस नहीं कर पा रही थी, उसके दिमाग में तो सिर्फ देवू, नील, ब्रजेश यही चल रहा था। कभी वो देवू के साथ बिताए अपने पल सोचने लगती, कभी नील के साथ बाहों में बाहें डाले नील को प्यार करते हुए। नील ने उसे बहुत प्यार दिया है, देवू उसका पहला प्यार है, ब्रजेश एक अच्छा इंसान है। राधिका करे तो क्या करे, गाना 15 बार चल चुका था पर राधिका स्टेप्स नहीं ठीक से कर पा रही थी। हार कर राधिका नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। कोरियोग्राफर भी डर गया था कहीं उसकी नौकरी ही ना चली जाए। तभी उसकी सारी बहनें भी उसके आसपास बैठ गई थी और पूछने लगी थी कि दीदी क्या हुआ। राधिका ने कहा था, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। तभी राधिका की माँ भी वहाँ आ गई थी, उन्होंने राधिका को गले से लगा लिया था। बेटी एक ना एक दिन तो सबको घर छोड़कर जाना ही होता है ना, मैं समझ सकती हूँ। राधिका सोचने लगी, ओह तो मॉम को ये लग रहा है, वैसे भी तो मैं कितने सालों से घर से दूर ही थी, एनीवेज जो भी है। राधिका की मॉम ने कोरियोग्राफर को कह दिया था कि अभी ये प्रैक्टिस नहीं करेगी और वो राधिका को लेकर कमरे में चली गई थी। राधिका को कहा था तुम आराम करो। राधिका ने मॉम को कहा, मॉम मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। ओफो, वो मेकअप वाले को पता नहीं अदिति ने फोन किया या नहीं। क्या हुआ बोलो, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं मॉम, कुछ पर्सनल है, पता नहीं शेयर कर पाऊंगी कैसे करूंगी, इतना भी दर्द नहीं होता। क्या क्या कह रही हो मॉम? जानती हूँ मैं उन पुराने जमाने की माओ जैसी नहीं हूँ जो तुझसे खुलकर बात ना कर सके। तुझे यही डर लग रहा है ना कि शादी के बाद सेक्स करने में बहुत दर्द होता होगा? नहीं होता इतना। ओह यह रियली? माँ राधिका की आवाज का सरकाज़म कहाँ ही समझ पाती। उन्होंने कहा, हाँ सच कह रही हूँ। यही है ना तेरा कंसर्न? राधिका ने कहा, हाँ एक्चुअली। कुछ मत सोच, कुछ भी मत सोच, आज शाम को तुझे बहुत अच्छा डांस करना है, थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद एक बार फिर डांस की प्रैक्टिस करियो, देखियो तू सबसे अच्छा डांस करेगी। राधिका सोचने लगी, हाँ यही तो होनी चाहिए मेरी इस टाइम सबसे बड़ी टेंशन। राधिका ने थोड़ी देर रेस्ट किया, अपने दिमाग को फ्री करने की कोशिश की और फिर दोबारा डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई। शाम को मेकअप करके लहंगा पहनकर वो तैयार हो गई थी। जब वेन्यू पर पहुंची थी तो ब्रजेश ने उसे कहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक्चुअल में स्टनिंग लग रही हो। राधिका ने कहा, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। राधिका ने जब अपना फोन देखा तो उसमें मैसेजेस थे, देवू के भी और नील के भी। उसने अपना फोन अदिति दीदी के पर्स में रख दिया था, उसे नहीं देखना है सब कुछ। डांस हो रहा था, सब लोग परफॉर्म कर रहे थे, राधिका की बारी आने वाली थी। उसे ब्रजेश ने ऑल द बेस्ट कहा था, तब राधिका ने कहा था, ऑल द बेस्ट नहीं, एक ग्लास विस्की का चाहिए, दिला दोगे? ब्रजेश ने कहा, हाँ चलो। ये दोनों स्टेज के पीछे चले गए, ब्रजेश ने इसे विस्की ला कर दी और राधिका ने एक ही घूंट में पूरा ग्लास पी लिया। माँ ने ऐसा करते हुए राधिका को देख लिया था। ब्रजेश के जाते ही वो राधिका के पास पहुंच गई थी। तुम क्या कर रही थी? क्यों माँ, कुछ भी तो नहीं, मैंने देखा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक चीप लड़की की तरह कैसे सबके सामने शराब पी रही थी? ब्रजेश के माँ बाप क्या सोचेंगे? उनके बेटे ने ही तो लाकर दी है, क्या सोचेंगे? मॉम ऐसा करो, एक ग्लास आप भी पी लो, आपका भी दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये बोलकर राधिका स्टेज पर पहुंच गई थी और उसने बहुत अच्छे से डांस परफॉर्म किया था, सारे स्टेप्स किए थे, सबने बहुत तालियां बजाई थी। ब्रजेश ने कहा था, तुमने बहुत अच्छा किया है। राधिका ने कहा था, 4 घंटे तक प्रैक्टिस की है। ब्रजेश ने कहा, अगर मैं 4 महीने करता तब भी नहीं कर पाता ऐसा डांस। राधिका हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद पूरी फैमिली स्टेज पर थी, सबने शराब पी हुई थी। राधिका ने ब्रजेश को भी कहा था, एक ग्लास तुम भी पी लो। ब्रजेश ने कहा, परिवार के लोगों से मिलना होगा। राधिका ने कहा, वो तो ठीक है पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर तक तो इन दोनों ने भी स्टेज पर डांस किया, उसके बाद राधिका ने ब्रजेश से कहा, जरूरी बात करनी है, बाहर चले। ये दोनों बाहर गार्डन में आ गए थे, वहाँ एक बेंच पर बैठ गए थे। राधिका ने ब्रजेश से कहा, ब्रजेश आई थिंक मुझसे सब कुछ नहीं होगा। अरे तुम डर रही हो? मैं लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता पर मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा लगता होगा।
इनफैक्ट मुझे भी लग रहा है कोई बात नहीं, कल हमारी शादी हो जाएगी, परसों हम लोग बाली चले जाएंगे, हम लोग प्लेन में होंगे, तुम सोचो कितना मजा आएगा, और उसके बाद हम सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाएंगे, वहां जाकर हमें घर भी तो ढूंढना है। ब्रिजेश मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, घर हम बाद में ढूंढ लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं सोच रहा था मेरा घर थोड़ा छोटा है। ब्रिजेश तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। राधिका मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो, तुम जाकर थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर सो जाओगी ना तो तुम्हें बेहतर लगेगा, शायद तुम इस सबसे बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई हो, ये कोई मजाक थोड़ी है। ब्रिजेश मैं मजाक नहीं कर रही, बट आई एम श्योर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ब्रिजेश के फादर का तभी कॉल आ गया था, उन्होंने कहा सारे बड़े यहाँ से जा रहे हैं, सब तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, तुम कहाँ चले गए हो? ब्रिजेश ने कहा हम आ रहे हैं। ब्रिजेश ने राधिका से कहा चलो चलो सब लोग हमें बुला रहे हैं, अंदर चलते हैं। राधिका अंदर आई थी, सबका आशीर्वाद देने के बाद वो कमरे में चली गई थी, नींद से बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अदिति दीदी उसके साथ सो रही थी, जल्दी ही उनकी आंख लग भी गई थी, पर राधिका की आंखें खुली हुई थी, सोच रही थी क्या करूं अपनी जिंदगी का। वो खड़ी हुई, खिड़की के पास गई, बाहर समुद्र को देखने लगी। उसके अंदर की आवाज ने कहा राधिका तुझे डिसीजन लेना होगा, तुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा, उसे ये बड़ा डिसीजन लेना ही होगा, उसने सोच लिया था। वो सोफे पर बैठी थी और उसने सेम मैसेज नील, देवू और ब्रजेश को किया था, हे आर यू देयर? देवू का उसी समय रिप्लाई आ गया था, हाय बेबी, यस आई एम हियर, मुझे भी नींद नहीं आ रही, तुम्हें भी नहीं आ रही ना? राधिका ने देवू को रिप्लाई किया, सुबह 5 बजे कॉफी शॉप में मिलोगे? देवू ने कहा श्योर। 10 मिनट के बाद नील का मैसेज भी आ गया, यस आई एम हियर। राधिका ने देवू वाला सेम मैसेज नील को भी भेज दिया, नील ने कहा ओके आई विल बी देयर। सुबह 4:30 बजे ब्रजेश का मैसेज आया, क्या हुआ तुम्हें नींद नहीं आई? राधिका ने कहा सुबह 5:30 बजे कॉफी शॉप में मिलोगे? ब्रजेश ने कहा आर यू श्योर? राधिका ने कहा यस आई एम वेरी श्योर। ब्रजेश ने कहा ओके। 5 बजे तैयार होकर राधिका कॉफी शॉप पहुंच गई थी, जब वहां पहुंची तो देवू अलग टेबल पर बैठा था और नील अलग टेबल पर, दोनों को नहीं पता था एक ही लड़की का इंतजार कर रहे हैं। राधिका को देखकर वो दोनों ही खड़े हुए थे, राधिका की तरफ आए थे, राधिका ने दोनों को हाय कहा था। एक दूसरे को देखकर वो दोनों काफी कंफ्यूज हो गए थे, राधिका ने उन दोनों को एक साथ एक टेबल पर बैठने के लिए कहा था और वेटर को बुलाया था ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के लिए। नील ने देवू की तरफ देखा और राधिका से पूछा इज ही योर फ्रेंड? राधिका ने कहा काइंड ऑफ। देवू ने कहा ये कौन है, तुम मुझे मिलवाओगी या नहीं? राधिका ने कहा तुम दोनों ही मेरे एक्स हो। नील ने कहा क्या? राधिका ने कहा हाँ तुम्हें बताया तो था, न्यूयॉर्क वाला लड़का यही है वो। देवू ने कहा मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई एक्स है? राधिका ने कहा हाँ, हांगकांग में हम दोनों के बीच में प्यार हुआ था। देवू ने एक बार फिर नील की तरफ देखा, राधिका ने कहा हाँ ये तुमसे बहुत बड़ा है, शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। नील ने कहा हुई थी। राधिका ने कहा व्हाटएवर। देवू ने कहा मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ ये नहीं, और मैं तुम्हारी एज का हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। नील ने कहा मुझसे बेहतर तुम्हें कौन समझ सकता है, और मैंने तुम्हें प्यार दिया है, मैंने तुम्हें संभाला जब देवू ने तुम्हें डिच किया, तुमने भी तो मुझे डिच किया। राधिका ने कहा। नील ने कहा पर मैंने तुम्हें कभी कोई दुख तो नहीं दिया? राधिका ने कहा इनफ दुख दिया है। राधिका ने उन दोनों को कहा अब तुम दोनों चुप रहोगे और मेरी बात सुनोगे, तुम दोनों ही यहाँ पर मुझसे शादी करने आए हो, मेरी शादी तुड़वाने आए हो। मिस्टर देवू अपनी फैमिली को बुलाकर इसी वेन्यू में मुझसे शादी करना चाहते हैं, तुम मिस्टर नील गुप्ता चार्टर प्लेन लेकर आए हैं और मुझे यहाँ से भगा कर ले जाना चाहते हैं, जब मुझे तुम दोनों की जरूरत थी तब तुम दोनों ने मुझे डिच किया, तुम दोनों ने मुझे नहीं समझा। देवू चाहता था कि मैं नौकरी छोड़ दूं, अपना करियर छोड़ दूं, और तुम चाहते थे कि मैं फैमिली ना बनाऊं, सिर्फ करियर पर ध्यान दूं। दोनों अपने हिसाब से मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। नील ने कहा दोनों चीजें एक साथ होना बहुत मुश्किल होता है राधिका, और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो
प्यार करते हो तभी तो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर यहाँ पहुँचे हो। देवू ने कहा, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें समझता हूँ और मैंने तुम्हें कितना इनकरेज भी किया इनकरेज मानती हूँ, पर जब मैंने उड़ना शुरू किया तो तुम ही तो मेरे पंख भी काट देना चाहते थे। खैर, लड़कियों को हमेशा चॉइस दी जाती है, या करियर या फिर फैमिली, क्यों हम दोनों चीजें नहीं कर सकते? मुझे उड़ना भी है और मुझे एक घोंसला भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ करूँ, अपना करियर भी संभालूँ और मेरा एक परिवार भी हो, और तुम दोनों ने मुझे इस लायक नहीं समझा। फिलहाल बहुत हो चुका है, अब मैं तुम दोनों को बहुत प्यार से कह रही हूँ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, फक ऑफ फ्रॉम माई लाइफ। इससे पोलाइटली शायद मैं नहीं कह सकती। दोनों ही आर्ग्यू करने लगे, दोनों राधिका को कन्विंस करने की कोशिश करने लगे। तब राधिका ने कहा, इनफ इज इनफ, मैंने बहुत प्यार से कह दिया है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। दोनों खड़े हुए, जाना तो नहीं चाहते थे पर बिना मन से दोनों दरवाजे की तरफ जा रहे थे। जब ये लोग बाहर निकल रहे थे उसी समय वहां ब्रजेश आ गया था। हाय, क्या बात है इतनी सुबह, बैठो ब्रजेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ब्रजेश राधिका की सीरियसनेस देखकर वहां बैठ गया था। तब राधिका ने ब्रजेश से कहा था, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। क्या सुबह सुबह मजाक के मूड में आ गई हो? आई नो तुम बहुत फनी हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बट ये क्या है? ये मजाक नहीं है ब्रजेश, आई एम सीरियस, मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ। तब राधिका ने ब्रजेश को वो सब कुछ बताया जो इस एक हफ्ते में हुआ था। ब्रजेश ने बहुत ध्यान से सुना। ये दोनों तुम्हारे एक्स थे जो यहाँ से बाहर गए? राधिका ने कहा, हाँ। अब चले गए ना, तुमने उन्हें मना कर दिया ना? राधिका ने कहा, हाँ, मैंने उन दोनों को कह दिया, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। बस ठीक है, हो गया ना खत्म, मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता राधिका, हम शादी कर रहे हैं, आगे जिंदगी बितानी है हमें एक साथ। इन सब बातों से इस जुड़ने वाले रिश्ते को मैं खराब नहीं करना चाहता, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। राधिका ने कहा, नहीं, ये डिसीजन मैं अभी नहीं ले सकती, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है और मैं अभी ये शादी नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर ब्रजेश को गुस्सा आया, तुम समझती क्या हो अपने आप को, ये सब कुछ मजाक है क्या? मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है, एक हफ्ते से हम लोग शादी की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, अब मैं क्या कहूंगा सबको? तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं खुद बात करूंगी तुम्हारे परिवार से, अपने परिवार से भी बात करूंगी, सबकी बातें सुनूंगी, तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ है सब कुछ मैं पे करूंगी। ब्रजेश प्लीज समझो, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना चाहती हूँ। तो क्या करना चाहती हो तुम? मैं शायद अभी लंदन जाऊंगी, उसके बाद छुट्टियां लेकर 2-3 महीने के लिए एक वर्ल्ड टूर पर चली जाऊं। दिमाग खाली होगा तो खाली दिमाग से अच्छे से सोच पाऊंगी। ब्रजेश को बहुत बुरा तो लगा था पर उसने राधिका की बात पर अग्री किया था और अपने परिवार से बात की थी। राधिका के परिवार में तो जैसे मातम मच गया था, उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी, उसकी बुआ कह रही थी और पढ़ा ले लड़की को, इतना ऐसा ही होता है, ज्यादा पढ़ा लो तो दिमाग खराब हो जाता है। राधिका हर चीज को एक्सेप्ट कर रही थी, सबसे माफी मांग रही थी, रो रही थी पर कह रही थी, चाहे कुछ भी हो मैं ये शादी नहीं कर सकती। सब उससे पूछ रहे थे, ब्रजेश ने कुछ कहा, उसने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? राधिका ने कहा, नहीं, ब्रजेश एक बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? माँ ने कहा, मैं शादी नहीं कर सकती माँ, प्लीज, ये मेरी जिंदगी है, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? आज इतनी शर्मिंदगी तेरी वजह से हमें उठानी पड़ेगी, क्या कहेंगे हम उन लोगों को, इतने अच्छे लोग हैं वो। राधिका ने कहा, मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद बात करूंगी, अगर किसी को मेरे साथ आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अदिति ने कहा, तू जो कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगी, मैं तेरे साथ आऊंगी। राधिका के डैड भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा, चल बेटा, जो भी शर्मिंदगी है हम सब साथ में सहेंगे। ऐसे करते करते राधिका का पूरा परिवार भी साथ आ गया था। ये लोग ब्रजेश के परिवार के पास पहुंचे थे, जिन्हें ब्रजेश ऑलरेडी ही बता चुका था। ब्रजेश की माँ बहुत गुस्सा हो रही थी, तब राधिका ने उन सबसे माफी मांगी थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। तब ब्रजेश की माँ ने कहा, हमने गलत लड़की चुन ली, आप समझ में आता है, तो इस लायक है ही नहीं कि हमारे परिवार का हिस्सा बने। ये सुनकर ब्रजेश गुस्सा हो गया, उसने अपनी माँ को कहा, माँ चुप हो जाओ, राधिका को कुछ मत कहो, जो हुआ ठीक है, वो नहीं शादी करना चाहती, उसकी लाइफ है, उसे डिसीजन लेने दो, आप इस तरह से उसे रोक तो नहीं सकती।
ब्रजेश की तरफ देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी ये लड़का राधिका को सपोर्ट कर रहा है, अपने परिवार से उसके लिए लड़ रहा है, जबकि राधिका ने उसे शर्मिंदगी दिलाई है। राधिका ने ब्रजेश को थैंक्स कहा था, सबसे माफ़ी मांग ली थी राधिका ने, सब लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया था, सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। राधिका ने तब एक बार फिर ब्रजेश को सॉरी कहा था। ब्रजेश ने कहा था, इट्स ओके, अब जो होना था हो गया, ठीक है, बार बार सॉरी मत कहो। राधिका ने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो ब्रजेश, पर शायद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। ब्रजेश ने कहा, कौन किसको डिजर्व करता है, किसको नहीं करता, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो होना था हो गया। अब तुम क्या करोगे ब्रजेश? कुछ नहीं, फेसबुक में जॉब कर रहा हूँ, पर एक अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ उस पर काम करना शुरू करूँ। और तुम टूर पर जाओगी? राधिका ने कहा, हाँ। राधिका पहले लंदन गई, वहां जाकर उसने छुट्टी ली और वर्ल्ड टूर पर निकल गई। 3 महीने हो चुके थे, उसे बहुत सारी कंट्रीज घूम चुकी थी। रिलक्टेंट थी, पर अपना फोन उठाकर ब्रजेश को मैसेज लिखा था, हाय। थोड़ी देर के बाद ब्रजेश का रिप्लाई भी आ गया था। राधिका ने उसे कहा था, 3 दिन के बाद सैन फ्रांसिस्को में पहुंच रही हूँ, मिलना चाहोगे? ब्रजेश ने कहा, क्यों नहीं, मिलते हैं। दोनों ने मिलने का टाइम फिक्स कर लिया था। राधिका जब ब्रजेश से मिलने पहुंची, तब ब्रजेश ने बताया कि उसने अपना बिजनेस मॉडल तो बना लिया है, बट फाइनेंस की प्रॉब्लम है। राधिका ने कहा, भूल गए, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम मॉडल बनाकर सारी चीजें मुझे दे दो, मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगी और तुम्हें फाइनेंस दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। ब्रजेश ने कहा, अरे वाह, ये तो सही है, परसों अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है। राधिका चुप हो गई, ब्रजेश ने सिर्फ बताया है, अपने साथ चलने के लिए तो नहीं कहा। फिर राधिका ने कहा, चलोगे क्या मेरे साथ? ब्रजेश ने कहा, इसीलिए तो बता रहा हूँ, तुम मेरे लिए काम कर रही हो तो मैं तुम्हें कॉन्सर्ट के लिए तो लेकर ही जा सकता हूँ। दोनों मुस्कुराने लगे, याद करने लगे वो शादी का टाइम। राधिका ने एक बार फिर ब्रजेश को सॉरी कहा। ब्रजेश ने कहा, इट्स ओके, अब तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारा दिमाग क्लियर हुआ या नहीं? राधिका ने कहा, हुआ, तभी तो यहाँ पर हूँ। उम्मीद करती हूँ राधिका की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और राधिका की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। लड़कियों को आज भी समाज ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, पूरी तरह से लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिला है। एक लड़के और लड़की को समाज आज भी अलग अलग नजरिए से देख रहा है। नॉवल को पढ़ने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद, अगर हमारा जरा सा भी नजरिया चेंज हो जाए तो चेतन भगत का ये स्टोरी लिखना सफल हो जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और बुक की समरी के साथ। आप मुझसे कौन सी बुक की समरी चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कहानी कैसी लगी वो भी बताइए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।